गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ सुमन दत्ता, सब कहते हूँ मॉर्निंग ब्लॉगिंग। तो आज है संडे और हमने का तीन दिनों से मैं अपने ननद के घर में डेरा डाला हुआ है। हस्बैंड जी अपनी ड्यूटी गए हैं, बोटिंग कराने के लिए। तो हम लोग यहाँ हैं और आज है संडे और काफ़ी स्पेशल गेस्ट हमारे घर आने वाले हैं। तो वो कौन से स्पेशल गेस्ट है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी या फिर उनसे मिलवाऊंगी, तो व्लॉग्स में बने रहिएगा। तो ये देखिए, ये सभी लोग सो रहे हैं, मेरी बेटी, मेरी ननद की दोनों बेटियां एंड नंदो सी जी भी। गुड गई ओए तीन लड़ाकू बहने बज गए है शाम के 5 और आज है करवा चौथ, और आज है करवा चौथ इवन संडे भी है। और हस्बैंड जी वोटिंग कराने गए हैं, अब देखते हैं वो कब तक आते हैं। हस्बैंड जी वोटिंग कराने गए हैं और बेटी सो रही है, और मैं अभी आई हूँ छत पर कपड़े लेने। मैं आई छत पे कपड़े लेने, दिखाती हूँ मैं सारे कपड़े। ये है सारे कपड़े, अभी मैं सभी कपड़े को लेके जाऊंगी। सकते हैं आज है संडे और इवन करवा चौथ व्रत है, तब भी वोटिंग हो रही है। छुट्टी हो चाहे वोटिंग हो, छुट्टी हो चाहे कोई फेस्टिवल हो, तब भी मतलब वोटिंग करानी है तो नहीं रुकेगा, वो होगा। जैसे कि हो रहा है, मेरे हस्बैंड गए हैं वोटिंग कराने, तो मैं अपनी ननद के पास आए हुए हैं, तो हो सकता है हम कल जाएंगे सारे अपने घर। और जैसे मैंने तो देख सकते हैं मैंने कपड़े ले लिए हैं, अब मैं जा रही नीचे। तो मैं आपसे क्या बता रहे थे, इसे कल हो सकता है कल हम अपने घर जाए, अपने ननद के घर बहुत दिन रह लिए, अब हम अपने घर जाएंगे। तो चलते हैं नीचे। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था ऐसे कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, हमारे स्पेशल लोग आने वाले हैं, तो वो आने ही वाले हैं, जस्ट थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, खाना बनाया नहीं है, जस्ट हम बनाने जा रहे हैं जल्दी जल्दी में है। और नना साहिबा को देखिए, सुबह से कुछ नहीं करी थी, बच्चों का तैयार, मम्मी जी के डर से डांट पड़ेगी। देखो फटाफट बच्चों को तेल लगा रही है, फटाफट तंगी कर रही है से कहीं डांट ना पड़े है। और ये देखिए, एक को कर चुकी है और मैं पहले कर चुकी हूँ, तो मुझे बिल्कुल डांट ना पड़े। ये देखिए फटाफट लगी हुई है, जल्दी जल्दी तेल लगा के सर उनको जल्दी जल्दी रेडी कर दो, ताकि हमें कोई बोले ना से हाँ हमने सुबह से क्या करा है कुछ। तो मैं आगे मिलते हैं, हम जा रहे खाना बनाने फटाफट। देखिए चुनाव करवा के आ गए लोग थके हारे, संडे के दिन करवा चौथ के व्रत वाले दिन चुनाव कराने गए थे, आ गए हैं नूडल्स लेके, नूडल्स पार्टी करेंगे उसके बाद चुनाव करवाने के बाद। खाना बना लिया है मैंने, जल्दी सारा खाना रेडी करने दिया है, बस बनने वाला है और मम्मी लोग आने वाले हैं, हस्बैंड जी लेने गए हैं, हस्बैंड जी लेने गए हैं स्टेशन पे, तो आने वाले हमको ज्यादा एक्साइटेड है, 2.5 साल बाद लोग आ रहे हैं। इस बेटी को देखो, 2.5 साल बाद अपनी माँ से मिलने की कितनी ज्यादा एक्साइटेड है, इंतजार में दरवाजे पे बैठे हैं सबके साथ। अच्छी को कौन आ रहा है? नानी। हर्ष कौन आ रहा है? दादी। आपकी तो दादी आ रही ना बेटा? दादी जी। हे गाइस, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया था से आज काफी स्पेशल लोग हमारे घर आने वाले हैं, तो वो आ चुके हैं।
और वो रात में आए और उसके बाद लोगों ने खाना वाना खाया, उसमें सो गए, काफी थके हुए थे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे अपने घर आ गए, और नेक्स्ट डे हम अपने घर आ गए तो मैं अब अपने घर में है, और वो स्पेशल गेस्ट कौन है, गेस्ट नहीं कहेंगे, काफी स्पेशल लोग हाँ, वो कौन है तो मैं बताना चाहूंगी। तो वो है मेरे सास ससुर जी एंड मेरी ननद जो चंडीगढ़ से आई है रात को, तो वही लोग है, उनको उनसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरी बैक टू बैक ब्लॉग्स आएंगे जिसमें मैं आपको उनसे मिलवा भी दूंगी। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप को आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।